ये सुराख मुझे दिखा, इधर मैं बैंडेज लगा रहा हूँ सर, मैं बीटाडीन लगा के इसको ड्रेसिंग कर देता हूँ यहाँ पे। सारा दिया उसे तू, नो इंजेक्शन आया है मैं चिट्टा जड़ा, वो थोड़ा चरदा है। ये फीमेल डॉग हमें 2-3 दिन पहले, अभी इसको ना ये हमारे मोहल्ले में रहती है, तो इसको 2-3 दिन पहले पता चला है, ये इसकी ना यहाँ पे बड़ी स्वेलिंग हुई थी, लगी थी इसको, पता नहीं फ्रैक्चर हुआ था क्या हुआ था। तो अभी मैं जाके देखा इसको, मैंने कल मैंने इंजेक्शन वगैरह लाए हुए थे, मैंने कल लगाता हूँ एंटीबायोटिक वगैरह, तो अभी जाके चेक किया इसको, तो स्वेलिंग तो नहीं है इसको, लेकिन ये सुराख सा हुआ है इसके नीचे। तो अभी इंजेक्शन वगैरह लग गए हैं इसको, ये एंटीबायोटिक है एविल का है, और ये कुछ एंटीबायोटिक लगे हैं अभी इसको, तो कल फिर से लगेंगे इसको इंजेक्शन। तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इसकी ये फ्रैक्चर हुआ है अंदर से क्या हुआ है, लेकिन स्वेलिंग तो नहीं है मुझे लग रहा है इसमें कोई, ऐसी स्वेलिंग तो उसको इसकी कम हो गई है, लेकिन यहाँ तक मैं इसको देख रहा हूँ, अब यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि पिछले महीने मैंने एक देखा था इंसिडेंट ऐसा ही, एक डॉग को इधर से इसका पाव जो होता है यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था, है बिल्कुल साफ था यहाँ से, कुछ नहीं हुआ था उसको, सिर्फ अंदर से फ्रैक्चर था, और 15 दिन बाद मैंने देखा इसका ये वाला पार्ट जो गिर गया नीचे उतर गया हुआ है। तो अब देखते हैं इसका क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, 2-3 दिन तक देते हैं इसको एंटीबायोटिक, 3-4 दिन तक पड़ेगा तो फिर ठीक है, देखते हैं। रड़ाना हूं इनशाल ना, पूरा ये पूरा वीडियो देखने ये भैया पैंथर वाला स्वभाव है इधर ये भी, शोल्डर पर भी कट नहीं है भैया, इन ओ ये करिए ना खल्लो सोचे लगा है भी मतलब गाड़ी है रोटी पहले पूछो भैया कि ना सुज्जे दा ना क्रैक करूगा ये दा, चलो उठ जा हूं ले देख ले पंगे एक मिनट, हरे मेरी गांडी को मारना है, कोई पार नहीं आ रहा।